गुड मॉर्निंग एक नए वीडियो के साथ और सुबह के बज रहे 11:30। मैं हूँ इस वक्त इंडिया का सबसे फेमस प्लेस जो कि राजधानी दिल्ली के अंदर है, वो है लाल किला, रेड फोर्ट। ठीक है, मैं लाल किले में हूँ अभी इस वक्त। ये है लाल किला, कुछ इस तरह का नज़ारा। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, एंट्री टिकट है इंडियन के लिए, इंडियन टिकट 35 रुपीज़, जो कि ऑनलाइन पे करते हैं आप। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो आपको 35 रुपीज़ है, और बाई कैश काउंटर जाके आप पेमेंट करेंगे तो आपके 40 रुपये, तो मतलब 5 रुपये का डिफरेंस है इतना। लेकिन भीड़ काफ़ी है, वैसे आज वीकेंड भी नहीं है फिर भी भीड़ है, तो मैंने क्या किया ऑनलाइन कर दिया। तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको UPI से कर सकते हैं आप, और आपका डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं इसमें ना। चलो 35 रुपीज़ है, ठीक है। ये है लाल किला, काफ़ी खूबसूरत जगह है ना लाल किला। मैं तो दिल्ली आते रहता हूँ, मैं कभी गया नहीं है, तो मेरा आज टाइम है तो आज आपको दिखाता हूँ लाल किला ना। अभी अंदर की तरफ आपको नज़ारा दिखाता हूँ लाल किला। ये काफ़ी आ रखा है टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट, फॉरेनर नहीं है ज़्यादा, इतना फॉरेनर भी नहीं है, ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट है। ऑफ वीकेंड पे ना, ऑफ वीकेंड पे इतना सारा आदमी टूरिस्ट आ रखा है, तो वीकेंड में तो कितना आता होगा, है ना। वीकेंड में तो ज़्यादा ही भीड़ रहता हो, बराबर वीकेंड में तो ज़्यादा, तो दिल्ली में भीड़ ही रहता है क्योंकि दिल्ली का राजधानी भी है ना, इंडिया का राजधानी भी है दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों की। ये है भाई लाल किला, मौसम पे सही है, इतना धूप तेज़ भी नहीं है, बादल छाया हुआ है ना। चलो आप रहना साथ में ना, आपको दिखाता हूँ चाँदनी चौक, चाँदनी चौक। यहाँ ये सित्ता जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला गली, ये है चांदनी चौक। ये एक मंदिर है, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर है ना, यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का जो सामने है ना, जो बस रुका हुआ है, इसके बीच सित्ता आपको मिलेगा चांदनी चौक। जो भी आप लाल किला विजिट कर रहे हो तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जामा मस्जिद, आप जामा मस्जिद उधर जाना, मेट्रो स्टेशन से बाद वॉकिंग डिस्टेंस में है, 150 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये आपको मिलेगा एंट्री गेट। टिकट तो मैंने बता दिया आपको कितना टिकट लगता है ना। चांदनी चौक भी है लेकिन एक मेट्रो स्टेशन है ना, लेकिन चांदनी चौक से आपको यहाँ दूर पड़ेगा, लेकिन आपको चांदनी चौक में काम है तो आप चांदनी चौक पे आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जी, आप मेट्रो से आ रहा तो जामा मस्जिद बिल्कुल नज़दीक है मेट्रो स्टेशन ना। ये है मेट्रो लाल किला का, लेकिन आपको ये वाला मेट्रो ना आपको यहाँ से एंट्री नहीं है क्योंकि आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जामा मस्जिद पे आ जाओ और आपको नज़दीक पड़ेगा, टिकट काउंटर भी नज़दीक पड़ेगा। भाई टूरिस्ट काफ़ी आ रखा है भाई, तो इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ ना। चलो भाई अंदर शुरू करते, अंदर भी एक सिक्योरिटी चेकिंग भी है ना, सिक्योरिटी चेक करते हैं और इसके बाद यहाँ से एंट्री शुरू। ठीक है, अभी यहाँ से अंदर का आप दिखाता हूँ नज़ारा लाल किला, काफ़ी सुना था मैं तो पहली बार आया था ना लाल किला। ये डिज़ाइन, ये लाल वाला ब्रिज बहुत ही तगड़ा बनाया है यार, डिज़ाइन है ना। पुराना जमाना वो है तो हार्ड लेडी, पुराना जमाना है। चलो अंदर प्रवेश करते हैं।
ये है भाई साउदर्न गेट। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये ब्रिज काफी है ना, मजबूत है ये ब्रिज। अच्छा यहाँ पे छोटा छोटा दुकान पे कुछ ये जिस टाइप के जैसे कि ऑर्नामेंट्स टाइप के ना, ज्वेलरी का दुकान है थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये तो मैं पहली बार देखा था। इस टाइप का ऑर्नामेंट्स आप लोग ना, ज़्यादातर लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए ना, इस टाइप के बैंगल्स टाइप के चूड़ियाँ और कान का बाली, और आप जो है ना पर्स में मिलेगा इस टाइप के पर्स काफ़ी सारा है भाई यहाँ पे तो बिजनेस के लिए। यहाँ तो यार सारा वो बेचने के लिए काफ़ी है, जिस टाइप का सोविनर शॉप जैसा ना है ना, सोविनर शॉप टाइप का लग रहा है गिफ्ट आइटम। ये क्या दीजिए, छत्ता चौक मतलब एक टाइप का बाजार है ये ना छत्ता चौक, ये पता नहीं है इसमें इंडिया बेस्ट सोविनर शॉप। अच्छा सोविनर शॉप, ये सोविनर शॉप है। अच्छा ये है सोविनर शॉप, क्या क्या है भाई, अफसाना स्टोरी ऑफ रेड फोर्ट, अफरीन तस्वीर, स्नैक्स पॉइंट, नजराना शॉपिंग, क्या भाई नौबत खाना दीवान आयम म्यूजियम सलीमगढ़, क्या है ये है सोविनर शॉप और स्नैक्स पॉइंट। अच्छा यहाँ भी वो है कैफे भी है यहाँ ना। नौबत खाना, आपको जिसको है ना पढ़ने के इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना वीडियो को है ना पॉज करके ना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो वीडियो को। अच्छा ये वाला बिल्डिंग को बोला ना नौबत खाना,
चलो अंदर चलते हैं। ये पुराना टाइप की दीवार है ना, पुराना टाइप की दीवार है। ये वाले बिल्डिंग है, ये वाला बिल्डिंग को बोल रहे हैं दीवाने आम। ये तो है ना, बहुत बड़ा एरिया है यार ये लाल किला है। मैंने सोचा सिर्फ लाल किला हो, सोचा ना अंदर अंदर गया तो बहुत बड़ा है यार ये। वो मैं सब चैनल में डाल दूंगा कितना स्क्वायर मीटर है, ठीक है। बहुत बड़ा एरिया है यार ये। अच्छा यहाँ पे होता है ना रात को समय लाइट एंड साउंड विजुअल का। शायद ना कैमरा में नज़र नहीं आओ, ये है दीवान, मतलब मतलब एक बैठने का जगह है, कुछ मार्बल से बनाया गया। देखिए इनका जो है ना ये वाला कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन बहुत तगड़ा है। अच्छा ये जो लाल किला जो है यूनेस्को के हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया है, 2007 में शामिल किया गया है। ये लाल किला है ना, रेड फोर्ट, 2007 में यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है 2007 में। बाप रे, कबूतर सारा पूरा यहाँ बैठ गया। 350 साल पहले, 370 साल। अच्छा ये बिल्डिंग के बारे में लिखा है कुछ, पढ़ लेना आप लोग यार कि इनके बारे में कुछ लिखा है। अच्छा ये रंग महल, अच्छा ये रंग महल इसको बोलते हैं रंग महल। अच्छा वो नहर ये बीस नहर ये बीस ये वाला है, ये वाला नहर बीस। वैसे अंदर जाने के लिए कोई
वो नहीं है, जगह नहीं है। आपको ना ऐसे ही दिखा देता हूँ अंदर से ना, जाने का रास्ता नहीं है अंदर से। यहाँ से रास्ता भी बंद कर दिया, पता नहीं। अच्छा, ये वाला दीवान खास महल है, ये है भाई खास महल, ये वाला खास महल है। अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अलाउड शायद अलाउड नहीं होगा ना जाने के लिए। अच्छा, आपको एक चीज़ बता देता हूँ ना, जो भी बंदा यहाँ पे विज़िट कर रहा है, जिसको इंटरेस्ट है ये लाल किला के बारे में, काफ़ी इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, एक या दो घंटा नहीं लगेगा आपको, तकरीबन 3 घंटा लगेगा। अगर लाल किला में काफ़ी अच्छा जानना है तो है ना, तकरीबन 3 या 4 घंटा लगेगा यहाँ, क्योंकि है ना काफ़ी सारा बहुत ही बड़ा एरिया है ना, आपको बहुत बड़ा एरिया। मैं तो सोचा यार सिर्फ लाल किला होगा, नहीं, लाल किले से भी अंदर बहुत जगह है घूमने के लिए ना, तो आपको काफ़ी जानना है। तो लाल किले में मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3 या 4 घंटा आपको लगेगा है ना एक्सप्लोर करने में और उसको समझने में। मैं तो ऐसे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, वैसे धूप भी काफ़ी तेज़ हो गया है। अच्छा, इनका टाइमिंग है सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक है, इसके बाद क्लोज है। तो हो सके तो 6 बजे आ जाना, आपको है ना 3-4 घंटे में तकरीबन हो जाएगा है ना एक्सप्लोर करके ना, हो जाएगा। बहुत बड़ा एरिया है यार वहाँ पर लाल किला का। तो ये पेविलियन बोल रहे ना इनके बारे में, जफर महल शायद ये वाला बोल रहा होगा, ये वाला नहीं है, ये नहीं होगा, ये तो फाउंटेन है ना, ये पेविलियन है शायद, ये बोल रहा है जफर महल शायद यही होगा। दे तो आए, अरे भाई दो पोस्टर लगे, ये है नाम है रानी लक्ष्मी बाई। ये है पोस्टर्स, अच्छा ये है पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे ना।
पहले लेटर यहाँ डाला था ना पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस में आ गया, लेकिन ये टिकट है ना आपको फ्री है, पोस्ट ऑफिस का ना टिकट फ्री है। बाहर से एक काउंटर है, काउंटर से लेना, अंदर आप अगर आपको देखना चाह रहे हो तो टिकट फ्री है ये, और वीडियो भी अलाउड है। ये इंडिया का पोस्ट ऑफिस के बारे में है सब ना। अच्छा ये पुराना ज़माना का टिकट है। गांधी जी को भी है ना, जी भी है चक्र कर दो, अभी है ही नहीं कोई, लेकिन क्या करोगे, है ही नहीं कोई। थ्रो तो तेज है जिस हुई है उस भी सुई इतिहास के पन्ने पन्नों हमें किन के साथ सबरमती आश्रम आगे से
अगर आपको कुछ सवन शॉप से कुछ लेना चाहो तो आप ये पोस्ट ऑफिस वाला अच्छा था यार, है ना, एक टाइप का म्यूज़ियम था। अंदर टिकट फ्री था, फ्री टिकट ऑफ कोर्स फ्री, अंदर एसी भी चल रहा है और पुराना इतिहास का भी जोड़ा हुआ है और पानी भी है बाहर, मस्त आ गया भाई। अच्छा यार एक चीज़ आपको बता देता ना, ये जो म्यूज़ियम है इनके लिए कोर्स अलग से है। मैंने सिर्फ ना लाल किला का मैंने टिकट लिया था 35 रुपीज़ का, इनका अलग से लगेगा टिकट, है ना। ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, मैंने ऐसे मैं गार्ड बाहर गार्ड बैठा था ना, मैंने ऐसे जानबूझ के मैंने पूछा ये वाला टिकट चलेगा, मेरे को पता था इनके बारे में ना म्यूज़ियम का, मैंने टिकट नहीं लिया था, तो वो बोलेगा आपको टिकट वहाँ से लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं चलेगा वाला। आपका ना ऑप्शन है बस, या तो आप लाल किला देखो और दूसरा आप ऐड कर सकते हैं, आप जैसे कि म्यूज़ियम वगैरह ऐड कर सकते हैं, इनके लिए अलग से चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, है ना। जैसे कि ये वाला है ना, ये वाला म्यूज़ियम अलग से आपको चार्ज लगेगा। तो मैंने खाली है ना लाल किला का लिया था मैंने, लेकिन वो लाल किला का टिकट वाला पहनते 35 रुपीज़, ये पोस्ट ऑफिस का फ्री है ये, अब इसमें आप जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस का ना, बाकी ये सब जो है ना आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा है ना, ये वाला बिल्डिंग है ना। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, म्यूज़िक खाली वो म्यूज़ियम है इनके बारे में ना, जो सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल आर्मी का है ना, इनका म्यूज़ियम है ये। अच्छा वो वाला म्यूज़ियम मेरे को पता नहीं चला कौन सा म्यूज़ियम है ना, यहाँ पे एक और म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम बहुत बड़ा बिल्डिंग है यार, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है म्यूज़ियम। अच्छा ये तो वो है क्या बोलते हैं कैफेटेरिया वगैरह है ना, ये शायद ये म्यूज़ियम नहीं है, ये सोविनर शॉप कैफेटेरिया और कुछ सामान शॉपिंग टाइप का लग रहा है ना, कैफेटेरिया भी है और एक बुक स्टोर भी है आगे ऊपर वाले बिल्डिंग में ना, बुक स्टोर भी है। ये है कैफे, चलो भाई अभी वीडियो को यही पे एंड कर देते ना, पूरा घूम लिया भाई लाल किला पूरा चक्कर मार दिया। अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है जैसे कि म्यूज़ियम हो गया तो इनके लिए अलग अलग से चार्ज लगेगा, ज़्यादातर म्यूज़ियम का 50 रुपये है ना। अगर आपको इंटरेस्ट है तो म्यूज़ियम के बारे में ना आप ले सकते हैं एंट्री टिकट वगैरह, वो भी ऑनलाइन है, अगर कैश काउंटर भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। मैंने नहीं लिया क्योंकि म्यूज़ियम भी ज़्यादा रहेगा, वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, है ना, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ना सिर्फ लाल किले का मैंने लिया। तो लाल किले का मैंने आपको वॉक अराउंड दिखाया और इनके बारे में एक्सप्लोर किया, अगर ज़्यादा जानना है तो आप, चलो ठीक है वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, तो बाद में मिलता हूँ अगला वीडियो और कोई और नया जगह, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, लास्ट में दिखाता हूँ कि लाल किले का ये कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो अभी भी आ रहा है टूरिस्ट, काफ़ी अभी भी आ रहा है टूरिस्ट, तो बहुत आ रखा है, वो भी ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट है, फॉरेनर तो यहीं शायद मैंने देखा था, दो तीन देखा था मैंने, ज़्यादातर नहीं है, पूरा इंडियन टूरिस्ट है। अभी भी वॉकिंग टाइम में तो वीकेंड में तो कितना आता होगा, इतना भीड़ होता होगा शायद मेरे ख्याल से ना। चलो ठीक है, मज़ा आया एक्सप्लोर किया, मेरे को भी एक्सपीरियंस मिला देखने के लिए, आप लोगों को भी दिखा दिया, तो बने रहे मेरे साथ और अगला वीडियो देखने के लिए ना, ठीक है। आपको चाहिए तो लेने के लिए आपको सब कुछ वहाँ पे, जितना भी छोटा सोविनर शॉप भी आप ले सकते हैं भाई। ये आर्किटेक्ट काफ़ी पुराना है आर्किटेक्ट, मैंने बोला नहीं किसने बनाया, ये उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया है, जिसने ताजमहल भी बनाया। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नया जगह नया सिटी।
अभी भी दिल्ली भी है घूमने के लिए ना, दिल्ली में आपको एक्सप्लोर करने के लिए तकरीबन आपको एक महीना लगेगा पूरा दिल्ली को जानने के लिए ना, पूरा पुराना हिस्टोरिकल सब इतिहास की जगह बहुत है यहाँ दिल्ली में ना, पूरा आपको इतिहास जगह पूरा घूमने के लिए आपको ना तकरीबन एक महीना लगेगा मेरे ख्याल से एक महीना लगेगा। तो अभी मैं दिल्ली में 3 दिन बैठा, 3 दिन में बस इतना ही घूमा मैं। और ज़्यादातर आप जो भी सोलो राइडर आप सफ़र करो तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप मेट्रो से एक्सप्लोर करो, मेट्रो से ही जाओ, ट्रांसपोर्ट है ना आपको सस्ता पड़ेगा, मेट्रो आपको सस्ता पड़ेगा, मज़ा भी आएगा साइड में ना। चलो ठीक है, अभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको, तो नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलूँगा।